उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहली बार उत्तराखंड दौरे के दौरान अल्मोड़ा पहुंची। दो दिवसीय दौरे में अल्मोड़ा पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि वे महिलाओं की कठिनाइयों और समस्याओं को जानने के लिए प्रदेश में भ्रमण कर रही हैं। युवा वर्ग में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों को उचित कदम उठाने चाहिए। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि उत्तराखंड जड़ी बूटी और पर्यटन का खजाना है। यदि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उत्तराखंड देश का नंबर वन राज्य होगा। उत्तराखंड के प्रवास पर हूँ और मैं यहाँ महिलाओं को क्या कठिनाइयाँ हैं, उनके लिए क्या क्या और होना चाहिए, महिलाओं को क्या कठिनाइयाँ हैं उनके लिए क्या क्या और होना चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, खासकर बेटियों को क्या समस्याएं हैं, और एक नई समस्या यहाँ आ गई है जो नशे के ऊपर, उसका भी हम चिंतन भी कर रहे हैं और चिंता भी है कि हमारा जो युवा वर्ग है या हमारा जो भविष्य है वो नशे की उसमें क्यों जा रहा है, उसके लिए क्या समाधान होने चाहिए। इसके लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल से, प्रशासन से बात कर रही हूँ, क्या रोकथाम हो सकती है उसके लिए भी बात कर रही हूँ, और बच्चों की शिक्षा कैसे और बेहतर बने, क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हों, इन सब विषयों को लेके मैं भ्रमण पर हूँ।